हमारे देश में बॉलीवुड हीरोइन प्रेग्नेंट होने के बाद अगर अपना फोटो सोशल मीडिया पर डाल दे तो यह खबर हमारे देश की गोदी मीडिया के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। देखिए फला हीरोइन का पेट बड़ा हुआ है, बहुत जल्द मां बनने वाली है, बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती है ऐसी खबरों को लेकर। लेकिन हमारे देश में दूसरी तरफ एक गरीब बच्ची, 3 साल की गरीब बच्ची पैसे ना होने की वजह से अस्पताल से धक्के मारकर बाहर निकाल दी जाती है। अधूरा ऑपरेशन छोड़ देता है डॉक्टर, यहां तक के पेट कटा हुआ है टाके भी नहीं लगाता है, पैसे की वजह से उसको निकाल दिया जाता है हॉस्पिटल से बाहर। ऐसी खबरों को हमारे देश की गोदी मीडिया पर कोई जगह नहीं मिलती। हमारे देश की गोदी मीडिया पर ऐसी खबरों को लेकर प्रशासन पर, सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाए जाते हैं। ये है हमारे देश की गोदी मीडिया का असली चेहरा। आज जो खबर मैं आपके सामने रखूंगा यकीनन आप अंदर से हिल जाएंगे। कैसी कैसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं लगातार, लेकिन इन पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश का मामला है, प्रयागराज में एक 3 साल की बच्ची, गरीब बच्ची, प्रयागराज के एक बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है, उसका ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा कि 5 लाख रुपए की फीस जाएगी, 5 लाख रुपए में यह ऑपरेशन होगा। बच्ची के पिता का कहना है कि हमने 1.5 लाख रुपए फीस जमा करी, डॉक्टर ने ऑपरेशन चालू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान बच्ची के पिता के पास फिर खबर आती है कि 5 लाख रुपए आप जमा करें। बेचारा गरीब इंसान, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उसने अपने सब कुछ जायदाद बेचकर 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, वो उसने जमा कर दिए, लेकिन डॉक्टरों की डिमांड थी कि 5 लाख रुपए आप जमा करो। ऑपरेशन चल रहा है बच्ची का, ऑपरेशन के दौरान उस बच्ची का पिता 5 लाख रुपए जमा नहीं कर पाया, तो पता है कमीने डॉक्टरों ने क्या किया, उस बच्ची का अधूरा ऑपरेशन छोड़ दिया और वैसे ही बिना टाका लगाए, पिता का आरोप है कि इन्होंने बच्ची के पेट में टाका भी नहीं लगाया, बिना ऑपरेशन किए, बिना टाका लगाए बच्ची को और घर वालों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन अधूरा छोड़ा, बच्ची के पेट में टाके भी नहीं लगाए डॉक्टर ने, क्योंकि एक गरीब पिता ने अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए जमा नहीं किए। यह है हमारे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों की हकीकत और बड़े बड़े डॉक्टरों की औकात। दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। वो बेचारा पिता जिसको धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया हो, वो अपनी बच्ची को लेकर दूसरे हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल वाले ने उसको एडमिट नहीं किया। पिता का आरोप है कि बच्ची के पेट में टाके नहीं लगाए थे उस डॉक्टर ने जिसने निकाला था अपने हॉस्पिटल से, इसी वजह से किसी दूसरे हॉस्पिटल ने उस लड़की को एडमिट नहीं किया। आखिरकार उस 3 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। यह है हमारे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों का नाम। सॉरी मैं यहां पर उस हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इस खबर को कल ही मेरे पास आ गई थी ये खबर। एक पत्रकार हैं, एबीपी न्यूज में ये काम करते हैं, पहले इन्होंने शेयर किया था, लेकिन आज ये काफी सारी वेबसाइट पर इसको छापा भी गया है, तो आपके सामने स्क्रीनशॉट है। इन्होंने इस खबर को पहले ट्वीट किया था, अभिनव पांडे इनका नाम है, और इनके इस ट्वीट को चित्रा त्रिपाठी ने भी रिट्वीट किया था, तो काफी सारे लोगों ने इसको ट्विटर पर शेयर किया है। लेकिन जो हमारी गोदी मीडिया है ऐसी खबरों पर कोई डिबेट नहीं करता है कि किस तरीके से एक गरीब पैसे ना होने की वजह से अपनी बच्ची को खो देता है, 3 साल की मासूम बच्ची। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए बनाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाने से फ्री में इलाज होगा, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है ना तो सारे प्रशासन की, सारे सरकार की पोल खोल जाती हैं। क्या ऐसे डॉक्टरों पर, ऐसे हॉस्पिटलों पर सरकार कार्रवाई करेगी, नकेल कसेगी?